हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाए जा रहे हैं चिकन कॉर्न शोरबा। हमें चाहिए चिकन, मकई के दाने, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, कटा हुआ लहसुन, ज़ीरा, कड़ी पत्ता। साथ ही साथ हमें चाहिए नारियल का रस या कोकोनट मिल्क। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमें चाहिए घेव का आटा। सबसे पहले कुकर में हम शामिल करेंगे चिकन, उसमें डालेंगे 2 कप पानी। साथ ही साथ हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, और इसे 3 से 4 सीटियाँ लगाएंगे। साथ ही साथ इसमें हम शामिल करेंगे नमक। हमारी चिकन अब पक चुकी है, हम इसे शेड कर लेंगे और इसका स्टॉक अलग कर लेंगे। साथ ही साथ एक सेपरेट कुकर में हम डालेंगे 1 कप पानी, और उसमें अब हम डालेंगे हमारे मकई के दाने और इसे भी अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मकई बिल्कुल तैयार है, इसका भी स्टॉक हम अलग कर लेंगे। यहाँ मेरे पास है चिकन स्टॉक, मकई का पानी, कोकोनट मिल्क, और साथ ही साथ मेरे पास है 1/4 कप मिल्क। एक कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, उसमें डालेंगे ज़ीरा और कड़ी पत्ता, साथ ही साथ डालेंगे कटा हुआ लहसुन। हमारे लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे नारियल का रस और इसे पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न का जो स्टॉक बचा था, हमने उसे बॉईल किया था वो, उसके साथ हम डालेंगे हमारा चिकन स्टॉक और इसे पकाएंगे। अब हम हमारे आटे में शामिल करेंगे दूध और इसे अच्छी तरह से एक स्लरी जैसे बना लेंगे। अब हम हमारी स्लरी डालेंगे हमारे सूप में, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न और श्रेडेड चिकन और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और नमक और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारा चिकन कॉर्न शोरबा बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन पर क्लिक करें कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।